नमस्कार, आज के हिंदी समाचारों में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। सेल राउरकेला स्टील प्लांट के पाइप प्लांट कर्मी समूह द्वारा एकल दिवस में प्रेषण का रिकॉर्ड स्थापित। राउरकेला स्टील प्लांट द्वारा सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों के पति पत्नियों के लिए कार्यशाला आयोजित। और पीपीसी विभाग में माह का कर्मचारी पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला स्टील प्लांट के पाइप प्लांट कर्मी समूह ने एकल दिवस में ट्रेलरों का सर्वाधिक संख्या में प्रेषण कर पुनः एक बार अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है। 30 दिसंबर 2017 को कुल 68 ट्रेलरों में 1,217 टन पाइप के साथ दोनों ईआरडब्ल्यू एवं एसडब्ल्यू पाइप प्रेषित किए गए, जो अपने प्रारंभ से अब तक का सर्वाधिक एक दिवसीय आंकड़ा है। उल्लेखनीय है कि पाइप प्लांट ईआरडब्ल्यू ने एक दिन में 45 ट्रेलरों का प्रेषण किया, जो स्थापना के बाद से सर्वाधिक एक दिवसीय प्रेषण है। गौरतलब है कि पाइप के लिए कोई सेकेंडरी स्टॉकयार्ड नहीं है, वे आरएसपी से सीधे पूरे भारत में ग्राहकों के परिसर में भेजे जाते हैं। सीएमओ और ग्राहकों के साथ प्रतिदिन निरंतर संपर्क से प्रेषण में निरंतरता बनाए रखना आवश्यक है, ताकि स्टॉक जमा न हो सके। सबसे बड़ी चुनौती बाजार में आर्थिक और डेमोग्राफिक घटकों में निरंतर परिवर्तन है, जिसके कारण ग्राहकों का सीधे पाइप उठाना प्रभावित होता है। ग्राहक नियुक्त निरीक्षकों से निरीक्षण की प्रवृत्ति हाल के दिनों में बहुत बढ़ गई है। इन सभी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए पाइप प्लांट कर्मी समूह द्वारा हासिल की गई उपलब्धि वास्तव में उल्लेखनीय है। शिपिंग कर्मी दल के अथक प्रयासों से पाइप ट्रांसपोर्टरों द्वारा समय पर ट्रेलरों की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकी। सीएमओ प्रोडक्शन प्लानिंग एवं कंट्रोल पीपीसी अनुसंधान एवं नियंत्रण प्रयोगशाला आरसीएल कंप्यूटर एवं इंफॉर्मेशन सेंटर CIT एवं फील्ड मशीनरी मेंटेनेंस विभाग द्वारा प्रत्येक स्तर पर महत्वपूर्ण समर्थन द्वारा इस रिकॉर्ड को संभव बनाया जा सका। यह उपलब्धि केवल पाइप प्लांट कर्मी समूह द्वारा प्रेषण प्राथमिकता के अनुसार पाइपों के दृढ़ता पूर्वक उत्पादन में अथक एवं समर्पित प्रयासों के माध्यम से संभव हुआ। यह केंद्रीय विपणन संगठन CMO ग्राहकों एवं तीसरे पक्ष के निरीक्षकों के साथ निरंतर संपर्क के माध्यम से सुनिश्चित किया गया। उत्पादन की जाने वाली सामग्रियों की प्राथमिकता हीट बनाने से लेकर फाइनल पाइप भेजने तक की प्रक्रिया सावधानी पूर्वक योजनाबद्ध किया गया था। भंडारण के दौरान शिपिंग अनुभाग द्वारा पाइप का सटीक पृथक्करण पाइपों के अलग अलग स्थानों पर लोडिंग में मदद करता है, जिससे प्रक्रिया तेज हो जाती है। राउरकेला स्टील प्लांट द्वारा कर्मचारी कल्याण पहलों में एक नया अध्याय जोड़ते हुए सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों के पति पत्नियों के लिए सिविक सेंटर में 18 जनवरी को रोशनी सक्षम साथी नामक एक परामर्शी सत्र आयोजित किया गया। इस अवसर पर आरएसपी के कार्यपालक निदेशक सामग्री प्रबंधन श्री परमानंद साहू ने मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उप महाप्रबंधक कार्मिक नॉन वर्क्स श्रीमती विजया मिश्र सम्मानित अतिथि थीं। जनवरी से जून 2018 के दौरान सेवानिवृत्त होने वाले कुल कर्मचारियों के पति पत्नियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। जनसमूह को संबोधित करते हुए श्री साहू ने इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने की दिशा में आरएसपी के कल्याण यूनिट के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कर्मचारियों को पिछले 25 से 30 वर्षों तक निरंतर सहयोग करने हेतु कर्मचारियों की पति पत्नियों को बधाई दी, जिससे कर्मचारियों को कार्य जीवन एवं गृह प्रबंधन के बीच समानता बनाए रखते हुए दक्षता पूर्वक कार्य संपन्न करने में मदद मिली। श्री साहू ने परिवार सदस्यों को सेवानिवृत्ति उपरांत जीवन के दौरान कर्मचारियों का मानसिक समर्थन देने का आग्रह किया एवं सेवानिवृत्त के बाद सार्थक जीवन के लिए अच्छी तरह से योजना तैयार करने का अनुरोध दिया। श्री साहू ने प्रत्येक कर्मचारी एवं उनकी पति पत्नियों को स्वस्थ एवं लाभप्रद सेवानिवृत्त जीवन की कामना की एवं आरएसपी की ओर से शुभकामनाएं दी। प्रथम सत्र में सहायक महाप्रबंधक SMS 2 श्री अनुबिंद महंती ने सेवानिवृत्त के उपरांत नए चरण के जीवन में निर्बाध परिवर्तन हेतु मानसिकता बनाने के संबंध में बताया,
जबकि उप महाप्रबंधक वित्त एवं लेखा श्री जी एस दास ने वित्तीय सुरक्षा उपायों के संबंध में कहा। उप महाप्रबंधक कार्मिक नॉन वर्क श्रीमती विजया मिश्र ने अर्थपूर्ण जीवन के लिए बेहतर स्वास्थ्य, तंदुरुस्ती एवं आध्यात्मिक चिंताधारा विषय पर एक सत्र लिया। विभिन्न कहानियों, फिल्मी झलक, वृत्त चित्रों, श्रव्य दृश्य प्रस्तुतिकरण एवं अनुभव आदान प्रदान के माध्यम से इन सत्रों को आकर्षक तथा प्रभावशाली बनाया गया। सभी ने इन सत्रों की सराहना की। वरिष्ठ प्रबंधक कार्मिक कैंटीन कल्याण एवं कर्मचारी सेवा श्री एस बड़पंडा ने पूरे सत्र का संचालन किया। उल्लेखनीय है कि आने वाले 6 माहों में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के पति पत्नियों को शामिल करने हेतु प्रत्येक 6 माह में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। उत्पादन नियोजन और निरंतर विभाग ने 19 जनवरी को माह का कर्मचारी पुरस्कार समारोह आयोजित किया। महाप्रबंधक पीपीसी श्री सी मुथुस्वामी ने समारोह की अध्यक्षता की और वरिष्ठ ऑपरेटर पीपीसी श्री अशोक कुमार जेना को माह का कर्मचारी पुरस्कार प्रदान किया, जिसमें प्रशस्ति पत्र एवं गिफ्ट वाउचर शामिल था। इस अवसर पर विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारी भी उपस्थित थे। श्री मुथुस्वामी ने श्री जेना के प्रतिबद्धता और समर्पण भावना की सराहना की तथा अन्यों को इसका अनुकरण करने हेतु प्रेरित किया। उल्लेखनीय है कि श्री जेना को वे ब्रिज उपकरणों के वजन और रख रखाव के प्रभावी रिकॉर्डिंग में उनके महत्वपूर्ण योगदान हेतु सम्मानित किया गया। सहायक प्रबंधक कार्मिक श्री जयंत दास ने कार्यक्रम का संचालन किया। आज के हिंदी समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।